मार्केट की तरह चिप्स बनाएंगे कम समय में और आसान तरीके से। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 6 लाल आलू लिया हुआ है, इसकी जगह पर आप सफ़ेद आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आलू कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, यानी कि आपके पास छोटे बड़े जो आलू हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आलू का छिलका हटा देंगे और ये देखिए हमने छोटा आलू भी लिया हुआ है। छिलका हटाकर इसे पानी में भिंगो देंगे और बड़े आलू को 2 टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने चिप्स काटने वाला मशीन लिया हुआ है, मार्केट में ये बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा मात्र 300 से 400 रुपए में। और इसमें चिप्स काटना बहुत ही आसान होता है, इसमें ब्लेड लगा हुआ है आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपको पतला चिप्स काटना है उस तरीके से और जितना मोटा काटना है उस तरीके से सेट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप चिप्स कटर वाले मशीन पर भी चिप्स को काट सकते हैं। इसमें कैसे काटना है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे हम खींच कर पीछे करेंगे, आलू का टुकड़ा रख देंगे, इसे सीधा कर लेंगे और जैसे हम सिलाई मशीन चलाते हैं बिल्कुल उस तरीके से चलाते हुए चिप्स को काट लेंगे। तो इस मशीन में आप छोटे आलू का भी चिप्स काट सकते हैं, बड़े आलू का भी चिप्स बिल्कुल बराबर काट सकते हैं। इसमें कतरन नहीं निकलता, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं वो नहीं बचते हैं और बिल्कुल आपको चिप्स भी एक बराबर मिलेगा मार्केट की तरह। अब दूसरे आलू को भी इसी तरीके से हम काट लेंगे कम समय में बिल्कुल आसान तरीके से। आप 5 किलो या 6 किलो आलू को मात्र आधे घंटे में काट सकते हैं। तो सारे चिप्स को हमने काट लिया, आप देख सकते हैं सारे चिप्स कट चुके हैं। अब हम बर्तन में पानी लेंगे और यहाँ हम एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेंगे, इसे पीसना नहीं है, पानी में इसे डाल देंगे, चिप्स को डाल देंगे, हाथ से रगड़ते हुए इसे अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, पानी को छानकर हटा देंगे। इस तरीके से हम चिप्स को 3 से 4 बार पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से धुलते जाएंगे जब तक कि इसका गंदा पानी निकलकर बिल्कुल साफ पानी आना शुरू नहीं हो जाता। 5 मिनट के लिए फिटकरी के पानी में भिंगो कर रख देंगे और इस टुकड़े को यानी कि फिटकरी के टुकड़े को हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद चिप्स को एक बार साफ पानी से और धुल लेंगे। ये देखिए पानी कितना क्लीन हो गया है, इसमें पानी भर देते हैं, किनारे रख देते हैं। गैस चलाकर पतीले में पानी को गर्म करेंगे, ढक देते हैं, आंच तेज कर देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा ढक्कन हटा देंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच या 1 छोटी चम्मच खाने वाला मीठा सोडा डाल देंगे और चिप्स को डाल देंगे। तो जब हम चिप्स को डालेंगे आँच तेज रखेंगे, तेज आँच पर इसे पकाना है और इस तरह से कोई पतली चीज़ से इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ताकि चिप्स जो है आपस में चिपकने ना पाए और इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अब हम चिप्स को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे काटेंगे बिल्कुल नाखून को इसमें गड़ना चाहिए या नाखून जब इसमें घुस जाए समझिए कि चिप्स तैयार है। गैस ऑफ कर देंगे, पतीला रखेंगे, इसके ऊपर जाली रखेंगे, मसलिन का कपड़ा रखेंगे या सूती आप कपड़ा रख दें लेकिन कलरफुल कपड़ा नहीं रखना है और चिप्स को छान लेंगे, झटक देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए और सारे चिप्स आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले बने हैं। यहाँ हमने छत पर प्लास्टिक सीट धूप में बिछा रखा है, इसके ऊपर चिप्स को डाल देंगे और सबको फैला देंगे। लगभग 1 घंटे तक इसे हम धूप में रखेंगे, 1 घंटे में ही ये चिप्स सूख जाते हैं। तो ये हमारा चिप्स सूख चुका है, ये देखिए बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल बराबर चिप्स आपको मिल जाएंगे, खिले खिले से चिप्स बन करके तैयार हो गए हैं। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे या टिफ़िन बॉक्स लेंगे, इसमें हम डाल देंगे पानी पूरी मसाला। तो इसकी जगह पर आप चाट मसाला पाउडर या जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक। और कुछ चिप्स को हमने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है और बड़े आलू का तो एक बोल लेंगे। और यहाँ हमने लिया है पिज्ज़ा सीजनिंग या ऑर्गेनो, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या कूटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ हमने लिया है स्प्रिंकल मसाला, इसकी जगह पर मैगी मसाले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लगभग 1 से 2 चम्मच इसमें इस मसाले को डाल देते हैं और इसे हम किनारे रख देंगे, इसका यूज बाद में करेंगे। गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरीके से तेज़ आंच पर गर्म करेंगे, आंच धीमी कर देंगे और चिप्स को डाल देंगे। तो
इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप चिप्स फ्राई करें आंच धीमी होनी चाहिए, तेज़ आंच पर इसे नहीं फ्राई करना है। जैसे ही तेज़ आंच पर इसे फ्राई करेंगे ये बिल्कुल लाल से हो जाएंगे। आंच धीमी रखेंगे और चिप्स को हम फ्राई कर लेंगे। इस चिप्स को आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होते हैं। तो इस तरीके से सारे चिप्स को हमें फ्राई कर लेना है कम समय में। बिल्कुल आसान तरीके से चिप्स को आप बना सकते हैं। आंच धीमी रखेंगे, सारे चिप्स को फ्राई कर लेंगे और ये चिप्स हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये पतले वाले चिप्स हैं। छोटे आलू, बड़े आलू, जो भी आलू हमारे पास उपलब्ध था उसका हमने चिप्स बना लिया और कितने सॉफ्ट बने हैं। दबाने पर ये देखिए बिल्कुल टूट जा रहे हैं। मैं तोड़ करके इसे दिखा रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और ये मोटे चिप्स हमने बना कर रखा हुआ है बड़े आलू का, इसे भी मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ। है ना तरीका बिल्कुल आसान। तो ये चाट मसाले या पाउडर यानी कि जो पानी पूरी का मसाला था इसमें डाल देंगे और इस तरीके से इसे झटकते हुए आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे चटपटे से पानी पूरी मसाले वाले चिप्स बन करके तैयार हो गए। इसे एक बोल में निकाल लेंगे बिल्कुल चटपटे से और चटाकेदार। बच्चे हो या बड़े हो सबको काफ़ी पसंद आता है ये चिप्स। और इसे आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और सालों तक इसे आप बिना फ्राई किए रख सकते हैं। आप दूसरा मसाला तैयार करेंगे तो ये बनाए हुए हम पिज्ज़ा सीजनिंग वाला मसाला डालेंगे। चिप्स को डालेंगे इस तरह से, इसे उलाटते पलाटते हुए मसाले को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और ये हमारे पिज्ज़ा फ्लेवर वाले आलू चिप्स बन करके तैयार हो गए हैं। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो है ना बहुत आसान तरीका, कम समय में बिल्कुल मार्केट की तरह इस चिप्स को बना सकते हैं। सभी को काफ़ी पसंद आता है। जब इस चिप्स को एक बार खाएंगे ना, यकीन मानिए मार्केट का चिप्स आप भूल जाएंगे। इतना टेस्टी ये चिप्स आपको लगता है। फ्लेवर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा या जो फ्लेवर आपको पसंद है, इसमें आप जलजीरा पाउडर डाल सकते हैं, पुदीना पाउडर डाल सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।